क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ फोलिएज लीफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फोलिएज लीफ की संरचना किस तरह की होती है, तो अलग अलग स्पीसीज में इनका नंबर 1, 2 और 3 स्पर्म में पाया जाता है, और यहाँ पर मैं एपाइनस ट्राइफोलिएज उसके बारे में या जीआर भी है ना उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जो लीफ होती है वो ट्राइंगल शेप की, और सबसे बाहर यहां पर एपिडर्मिस और इसके ऊपर ये क्यूटिकल लेयर पाई जाती है, बीच में यहां पर स्टोमेटा प्रेजेंट है। स्टोमेटा यहां पर प्रेजेंट है। जब सेलुलर डायग्राम बनाते हैं लेयर होती है, एपिडर्मिस के बाद यहां हाइपोडर्मल टिश्यूज स्क्लेरिकाइमा टू टू फाइव सेल थिक, ये हाइपोडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती है यहां, एपिस्टोमेटल कैविटी और स्टोमेटल कैविटी सब स्टोमेटल कैविटी यहां प्रेजेंट होगी, और उसके बाद यहां पर एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल मल्टीलेयर पेरिसाइकल सेल्स इस तरह संरचना। हाइपोडर्मिस के बाद ये रीजन मेसोफिल वाला टिश्यू वाला जो स्पॉन्जी और फैलिसाइट टिश्यू में डिवाइड नहीं होता, लेकिन इन सेल्स की जो मुख्य विशेषता है इनकी इनर वॉल इनफोल्डेड होती है और इसमें पेग लाइक संरचना या खूंटी नुमा संरचना बन जाती है, और इसमें फिर अंदर फोटोसिंथेटिक रीजन है ये क्लोरोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है, और जिससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। बीच में यहां पर इनमें रेजिन कैनाल्स भी प्रेजेंट होती हैं, और रेजिन कैनाल्स के बाहर स्क्रीन काइमेटस की डबल लेयर होती है, और अंदर एपिथेलियल सेल्स की लेयर होती है जो सीक्रेशन का काम करती है, रेजिन का निर्माण करती है या सीक्रेशन करती है। तो यहां पर ये है सबसे ऊपर क्यूटिकल स्टोमा एपिस्टोम सब स्टोमेटल कैविटी एंड एपिस्टोमेटल कैविटी यहां पर
प्रेजेंट होती है और स्टोमेटा से गैसों का आदान प्रदान या एक्सचेंज होता है। ऊपर ये हाइपोडर्मल टिश्यूज, हाइपोडर्मिस और फिर इसके नीचे यहां पर ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा और ये क्लोरोफिलस होते हैं और यहां पर ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस यहां पर, इसके बाद एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस के नीचे मल्टीलेयर पेरिस्टाइट, सेंटर में डिपेंड करता है स्पीशीज पर, वैस्कुलर बंडल्स की नंबर या संख्या स्पीशीज के अनुसार अलग अलग होती है। ट्राइफोलिएटा में जनरली यहां पर ये टी शेप गर्डल होती है और दो वैस्कुलर बंडल के बीच में इस तरह से यहां पर फ्लोएम और जाइलम इस तरह से अरेंज होंगे। जाइलम में ट्रेकीस होता है, एंडा कॉन्जॉइंट कोलेट्रल तरह के यहां पर वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं और पेरेन्काइमेटस सेल्स यहां पर एल्बुमिनस सेल्स एंड ट्रेकियल सेट अलग अलग तरह की सेल्स पाई जाती है। पेरेन्काइमेटस सेल्स फिर एल्बुमिनस सेल्स और ट्रेचीडियल सेल्स यहां पर पाई जाती हैं। एल्बुमिनस सेल्स जो फ्लोएम के लिए मीजोफिल सेल से फ्लोएम के लिए भोजन या न्यूट्रिएंट लेती है यानी कनेक्ट होती है। टेरिस्ट्रियल सेल्स जो जाइलम से कनेक्ट होती है और ये इस लीफ के लिए वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करती है। तो इस तरह से यहां पर जाइलम एंड फ्लोएम और दो वैस्कुलर बंडल्स यहां पर प्रेजेंट होती है। अंदर की तरफ यहां पर प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और फ्लोएम टिश्यू पाया जाता है। तो यहां पर जो मुख्य चीज है इस नीडल में या कोलियस लीफ में, यहां पर जो मीजोफिल टिश्यूज या हाइपोडर्म टिश्यू है, तो हाइपोडर्मिस जो होती है वो स्पेरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी होती है और यहां पर ये थिक वॉल्ड सेल होती है। नीचे फिर यहां पर ये स्पॉन्जी टिश्यू या पेरेन्काइमेटस टिश्यू या क्लोरेन्काइमा, इसमें जो मुख्य विशेषता है कि जो इनर वॉल होती है, अंदर वाली जो भित्ति होती है उसमें होल्डिंग्स पाई जाती है यानी पेग लाइक या कॉन्टिन्यूमा संरचना पाई जाती है और इसकी वजह से इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है क्योंकि ये नीडल शेप्ड है तो इसमें फोटोसिंथेसिस का जो एरिया है वो कम है तो उसकी पूर्ति के लिए यहां पर इनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और जिससे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ये करती है। ये एक तरह का अडाप्टेशन है इनमें। उसके बाद यहां पर एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल पाई जाती है। इसमें अलग अलग तरह की टिश्यूज में
यहाँ पर पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, एल्बुमिनस सेल्स हैं एंड टेस्टिकुलर सेल्स पाई जाती है। एल्बुमिनस सेल्स फ्लोएम से कनेक्ट होती है और इसमें जो फिल्ड टिश्यूज है जो इनके लिए भोजन पहुंचाएगी फ्लोएम टिश्यू के लिए। जबकि टेस्टिकुलर सेल्स होती है ये जाइलम से कनेक्ट होती है और यहाँ पर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान करती है। तो ये मिलकर के ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का निर्माण करती है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज का ये निर्माण यहाँ पर करती है। यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल है एंडार्क कंडीशंस में वही फ्लोएम कोलेटरल और कॉन्जॉइंट संयुक्त होते हैं, दो पाए जाते हैं और बीच में ये कटिंग से टी शेप संरचना ये रन को अलग करती है और इसके चारों तरफ बंडल सीथ भी पाई जाती है स्पिनकाइमेटस टिश्यू। तो इनके जो वेस्कुलर बंडल है इनकी नंबर या संख्या स्पीसीज के अनुसार अलग अलग हो सकती है और इस तरह से ये बार इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, छुपे हुए रंध्र हाइपोडर्मल स्क्लेरेन्काइमेटा की बनी होती है और बीच में ये पेगलाइक संरचना वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं डेवलप्ड होते हैं। तो इसमें जीरो फिटिक लक्षण प्रदर्शित करते हैं एक तरह का एडाप्टेशन और यहाँ एक रेजिनस रेजिन केनाल्स होती है जो रेजिन का सीक्रेशन करती है। इसमें बार की जो लेयर है वो स्पिनकाइमा की और अंदर जो है वो एपिथेलियल सेल्स होती है और जो रेजिन का सीक्रेशन श्रवण का कार्य करती है। तो इस तरह से ये जब तीन इस तरह से तीन लीफ का एक स्पर बना होता है और यहाँ पर ये हमने एक लीफ की संरचना का डिस्कस किया। यहाँ पर मोनोफोलिएटा सिल्वेस्ट्रिस और इनमें अलग अलग का नंबर होता है। थैंक यू।